जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे जो है सब काम हो रहा है, सफाई हो रही है। अक्सर मस्जिद का वो एरिया जो आज से दो या तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। असल में ये काम जो है मैं इसे लगते हैं, और ये मेरी यूसी का नाम है, UC04 खोखरापार डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे अभी दो चार दिन पहले एक वीडियो वायरल हो गई थी, यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और वो काम किसके नहीं हो रहा था, वो हमारे साथ नहीं खड़ा होता, वो हमें नहीं देता, वो हमें वो मशीनरी नहीं देता जिसकी बुनियाद पर हम काम करते हैं। ये काम तकरीबन से तीन चार माह से जो था वो प्राप्तों का शिकार था, जब से कांटी वाटर सप्लाई बोर्ड की वजह से। जैसा कि आपको पता है कि हम खुले तौर पे मजबूर हैं और बने हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ और सिंध गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि इसलिए कि जब तक वो हमें मशीनरी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। अभी जी के उन्होंने हमें मशीनरी प्रोवाइड की है, हम भी खड़े हैं, लोग भी खड़े हैं और मेरे साथ मेरे काउंसलर भी खड़े हैं, हम पूरा पैनल खड़ा हो गया, हमें काम करवा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ तहसील का एक भी दिखाया गया था उस वीडियो में कि हम शायद बहुत बड़ा बुजुर्ग हो रहे हैं इलाके वालों पर, और कोई FIR काट दी है उनके ऊपर, जो अगर वो आए थे हमारे पास काम करवाने के लिए, ये गलत कहा गया है। भैया उन्होंने यूसी पे हमला किया है और तोड़फोड़ मचाई, सारा सामान तोड़ दिया, रिकॉर्ड आगे पीछे कर दिया, चीज़ों को ले गए, कुछ सामान ले गए, तोड़ दिया। इसलिए जो है इसकी वजह से हमने यूसी सरकारी प्रॉपर्टी है, सरकारी असासा है, इसकी वजह से हमने उसकी FIR कटवाई गई। ये लोग आए थे, जिस तरह लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर हमला किया, जिसमें मेरे काउंसलर हैं उनको भी चोट लगी है, और भाई उसमें मेरे काउंसलर थे उनको भी चोट लगी है। ये मेरे काउंसलर हैं सही जौहर अली, उस हमले में इनको गर्दन पे चोट आई है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, यहाँ पे जुल्म सिर्फ जो है हम चेयरमैन अवाम पे कर रहे हैं बस, यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है। जबकि अवाम अगर इतना समझदारी का काम लेती और हमला नहीं करती यूसी पे, अव्वल तो हमारा ये काम नहीं है, ये यूसी चेयरमैन का काम नहीं है कि वो सीवीज का काम करवाए, लेकिन फिर भी यूसी चेयरमैन सीवीज का काम करवाते हैं और तमाम कराची के चेयरमैन। अगर आप किसी भी चेयरमैन से पूछेंगे तो यही कहेगा कि कराची वाटर सीवीज बोर्ड का काम है सीवीज का काम करवाना या पानी का काम करवाना, ये यूसी का काम नहीं है। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि शायद ये यूसी का काम है। लिहाजा मेरी आप लोगों के आवाम से गुजारिश है, काइंडली थोड़ा सा बात को समझें, हमसे जो हो सकता है हम वो बिल्कुल अपने आवाम के लिए करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई भी चाहे कि उसके इलाका गंदा रहे या उसका खास पॉइंट जो वो गंदा रहे, कि हम किसी के साथ ज़्यादा नहीं करते और इंशाल्लाह ना ही करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक्टर यहाँ पे ब्लेड चल रहा है, ये ब्लेड यहाँ पर चल रहा है, इस वक्त ये सफाई हो रही है यहाँ पर। जो पिछले तीन चार माह से पानी जमा था वो पानी एकदम डाउन हो गया, जब वाटर बोर्ड ने अपना सफाई वगैरह कर ली है, लाइन चौक की हमारी मेन लाइन जो थी वो बंद थी, जब वो लाइन खुली है तो ये पानी ऑटोमेटिकली डाउन हो गया। यही बात हमने उनको समझाई थी कि ये हमारे बस में नहीं है, जब मेन लाइन डाउन होगी तो जाके जो है ना इस मसले को, ये मसला हल होगा, क्योंकि जब तक वाटर बोर्ड हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, असम गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, ये मसला हल नहीं हो सकता। लेकिन लोग समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त, लोग कह रहे थे कि नहीं ये यूसी का ही काम है और किसी का काम नहीं। लिहाजा आप भाइयों से आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि काइंडली हमारी प्रॉब्लम को समझिए। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसका घर, उसका इलाका, उसका मोहल्ला जो है वो गंदा हो। बहुत शुक्रिया।